नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जो बाइडेन ने भले ही अमेरिकी चुनाव जीत लिया हो, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक हैं कि हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनकी इसी जिद का नतीजा रहा कि अमेरिका के कैपिटल हिल्स में गुरुवार को जमकर हिंसा और उपद्रव किया गया। कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी की गई। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका में हुई इस तरह की घटिया हरकत से अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया शर्मिंदा है और तमाम बड़ी शख्सियत इस शर्मनाक घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। भारत के मशहूर कारोबारी आनंद महिंद्रा ने तो यहां तक कह दिया कि क्या ये अमेरिका में डार्क पीरियड की शुरुआत है। तो वहीं कवि कुमार विश्वास ने भी खुद को ही सत्ता मानने वाले नेताओं को इस घटना से सबक लेने की नसीहत दी है। समाज और सियासत से जुड़े मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अमेरिका में हुए बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दो सवाल पूछे हैं। पहला, क्या कैपिटल बिल्डिंग की ओर बढ़ती भीड़ अमेरिका के डार्क पीरियड के अंत का सिग्नल है? दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, क्या ये एक गहरे और अधिक विभाजित समय की शुरुआत है? आनंद महिंद्रा के अलावा कवि कुमार विश्वास ने तो अमेरिका बवाल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, वर्चस्ववादी, आत्ममुग्ध और बस मैं ही मैं, गाने कहने जीने वाले नायकों के अंधे तर्क शून्य अनुयायी किसी उन्नतम देश तक को किसी गर्त में ले जा सकते हैं। यूएस कैपिटल इसका ताजा सबूत है। विश्व भर के देशों सभ्य नागरिकों को इस घटना, इसके नमूने, नियामक और उसके अंधभक्तों की फौज से सबक लेना होगा। कुमार विश्वास के इस ट्वीट पर प्रहलाद नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, कवि महोदय, आप अपनी ये सलाह अपने विपक्षी मित्रों को दें जो कि पिछले 7 साल से जनता का निर्णय स्वीकार नहीं कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ निजी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे शाहीन बाग हो या वर्तमान किसान आंदोलन। कविराज, कभी सच भी बोल लिया करें। अमेरिका में हुए जिस बवाल से आनंद महिंद्रा और कुमार विश्वास भी दुखी हैं, ये बवाल दरअसल उस वक्त हुआ जब कैपिटल हिल्स में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर मुहर की तैयारी थी। इसी दौरान हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में मार्च निकाला और कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। यहां डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखने, दोबारा वोटों की गिनती करवाने की मांग की जा रही थी। कैपिटल हिल में चल रही कार्यवाही से इतर जब ट्रंप समर्थकों ने अपना मार्च निकालना शुरू किया तो हंगामा होते देख सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया, लेकिन ये बवाल थमा नहीं और देखते ही देखते सभी समर्थक कैपिटल हिल की ओर चले गए। सुरक्षा बलों ने इस दौरान उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया। इस हिंसा और उपद्रव में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है।